नमस्कार दोस्तों, जी चिल्स अपडेट में आप सभी का स्वागत है। भारत ने रूस को ब्लैकलिस्ट होने से बचा लिया और अब चीन भारत के सामने अपनी झोली फैलाए खड़ा है। उधर ब्रिक्स में शामिल होने के बाद ईरान का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर है। आइए सब कुछ डिस्कस करते हैं विस्तार से। देखिए, जब बात आती है दोस्ती की तो भारत हमेशा खड़ा रहता है। एक बार फिर से भारत में रूस को ब्लैकलिस्ट होने से बचा लिया है। हालांकि FATF बैठक में यूक्रेन ने रूस को काली सूची में डालने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारत, चीन, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। यूक्रेन का दावा था कि रूस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सिस्टम के लिए खतरा है, लेकिन असल बात यह है कि दुनिया के कई देश अभी भी रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में विश्वास रखते हैं, और भारत ने एक बार फिर अपने रणनीतिक साझेदार रूस को बचा लिया। भारत का ये कदम देखकर चीन काफी प्रभावित हुआ और वो भारत से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है। पहले आइए कुछ दिलचस्प तथ्यों पर नजर डालें। FATF के सदस्य देशों में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं, जो पहले से रूस पर दबाव बना रहे हैं। FATF का ये कदम कोई छोटा मसला नहीं है, क्योंकि अगर रूस काली सूची में शामिल हो जाता है तो उसकी वित्तीय व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ता। उसकी ब्याज दर पहले से 21% तक पहुंच चुकी है। सोचिए, ऐसे में काली सूची का दाग उस पर क्या असर डाल सकता था। इसी कारण इस वक्त रूस भारत को धन्यवाद दे रहा होगा, क्योंकि भारत ने उसे गंभीर मुसीबत से बचा लिया है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि दुनिया का एजेंडा किस ओर बढ़ रहा है। चीन और भारत जैसे उभरते देशों ने इस बार साफ कर दिया कि पश्चिम का हर एजेंडा उनके लिए स्वीकार्य नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में वैश्विक मंच पर पश्चिमी दबाव को तवज्जो न देने का रुख अपनाया जा सकता है। FATF की इस बैठक ने एक नई वैश्विक संतुलन की ओर इशारा किया है, जहां रूस, चीन और भारत जैसे दिग्गज देश जुट चुके हैं। भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और अब चीन भी हमारी ताकत को लेकर सजग है। जिस प्रकार भारत ने पश्चिमी देशों से टकराकर रूस को बचाया है, अब चीन को भी उम्मीद है कि भारत उसे बचा लेगा। देखिए, LAC पर समझौते की जो बात हो रही है वो यूं ही नहीं हुई। भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव कम करने की पहल दोनों देशों के आर्थिक और व्यापारिक हितों को ध्यान में रखकर की गई है। मोदी शी जिनपिंग की बैठक में पेट्रोलिंग अरेंजमेंट की बात पक्की हुई और भारत ने चीनी निवेश पर लगे कुछ प्रतिबंधों में ढील दे दी। क्या ये सिर्फ व्यापारिक बात है? बिल्कुल नहीं। असल में शी जिनपिंग की स्थिति घरेलू मोर्चे पर डावाडोल है। उधर रूस भी यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। ऐसे में चीन के साथ इस वक्त कोई भी बड़ा देश खड़ा नहीं है जो मुश्किल में उसका साथ दे सके। चीन की अर्थव्यवस्था लगातार गिरावट में है, वहां बेरोजगारी बढ़ रही है, आवास संकट गहरा रहा है और लोगों में नाराजगी है। ये सब देखते हुए चीन के राष्ट्रपति को चिंता सता रही है और वो भारत की तरफ झोली फैला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन को अमेरिका के प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त चीन को एक ऐसे साथी की जरूरत है जो अमेरिका के सामने टिक सके, और भारत ने रूस से तेल खरीदकर ये साफ कर दिया कि हम अपने राष्ट्रीय हित में किसी भी महाशक्ति की नाराजगी मोल लेने से पीछे नहीं हटते। इसे देखते हुए चीन भारत से इम्प्रेस हो गया है। अब कुछ दिलचस्प तथ्य जोड़ें तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका ने चीन की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिससे उसकी नई तकनीक हासिल करने की राह मुश्किल हो गई है। जी हाँ, चीन को इस वक्त सप्लाई चेन में भारी डिस्टरबेंस का सामना करना पड़ रहा है। भारत के ब्रिक्स में अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम की पहचान डील के एक नई उम्मीद की तरह है। डॉलर की निर्भरता घटाना चीन और रूस का सबसे बड़ा सपना है, और जब इस पहल में भारत ने ग्रीन सिग्नल दिया तो ब्रिक्स की मौज आ गई। तो जब मोदी ने ब्रिक्स में वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम का समर्थन किया तो शी जिनपिंग खुशी से झूम उठे। चीन का रवैया यूं ही नरम नहीं हुआ है। उसने देखा कि भारत किस तरह से अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस का समर्थन करता है और अपना हित साधता है। गलवान के बाद चीन को भारत से दूरी का नुकसान समझ आ चुका है और अब शी की नजर भारत के उसी ताकतवर समर्थन पर है। मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और हित सर्वोपरि हैं। ऐसे में चीन को उम्मीद है कि भारत के साथ रिश्ता सुधार कर वो अमेरिका की आर्थिक मार से थोड़ी राहत पा सकता है। अब देखना है कि इस रिश्ते में आगे क्या मोड़ आता है। चीन ने ये भी देखा है कि जिस प्रकार रूस ने भारत के साथ कई दशकों तक अच्छे रिश्ते निभाए हैं, अब उसे उम्मीद हो गई है कि भारत अपने दोस्तों को अकेला कभी नहीं छोड़ता। ठीक इसी प्रकार आज रूस ईरान के लिए भी डटकर खड़ा है। आइए जरा रूस और ईरान की बात थोड़ा विस्तार से करते हैं।
देखिए, जब बात मध्य पूर्व में तनाव की हो तो इसराइल और ईरान के बीच खेल कभी भी धीमा नहीं होता। इस बार रूस ने इजरायली हमले से पहले ही ईरान को आगाह कर दिया। जी हाँ, रूस ने अपनी दोस्ती निभाई। शनिवार को जब इसराइल ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक की योजना बनाई तो रूस ने कुछ घंटों पहले ही तेहरान को अलर्ट कर दिया था, जिसके कारण ईरान में भारी नुकसान को रोका जा सका। ईरान ने बाद में पुष्टि की कि तेहरान और अन्य क्षेत्रों में इजरायली हमलों के जवाब में उसके एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया था। धमाके उन सिस्टम के ही थे जो हमले को रोकने में जुटे थे। लेकिन एक बात तो साफ है कि रूस का साथ मिलते ही ईरान का हौसला बुलंद हुआ है। अब ईरान सिर्फ जवाब नहीं दे रहा बल्कि धमकियां भी दे रहा है। ये देश अब ब्रिक्स का सदस्य बन चुका है और पिछले ब्रिक्स समिट में ईरानी राष्ट्रपति ने कजान में रूस, चीन और भारत जैसे बड़े देशों के नेताओं से मुलाकात की थी। रूस और चीन के साथ रिश्तों को गहरा करने का जो वादा मिला है उससे ईरान का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है। रूस और चीन अब खुले तौर पर अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं और ईरान को उसी खेल का हिस्सा बना रहे हैं। ईरान और इसराइल का ये खेल नया नहीं है, ये वही ईरान है जिसने इसराइल के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया था और इसराइल ने भी उसे रेड लाइन का मुद्दा बना दिया। इसराइल ने अपने F-35 फाइटर जेट से मध्य पूर्व में अभेद्य ताकत बना ली है। दूसरी ओर ईरान की मंशा भी साफ है, वो अमेरिका और उसके सहयोगियों के दबाव से बाहर निकलना चाहता है और रूस चीन के साथ उसके रिश्ते इसी दिशा में हैं। इसीलिए इसराइल के हमलों के बावजूद ईरान को अब अपने नए वैश्विक मित्रों का समर्थन मिलने लगा है जो उसे अकेला महसूस बिल्कुल नहीं होने देता। तो समझ लीजिए, इस वक्त मध्य पूर्व एक बारूद के ढेर पर बैठा है। एक तरफ इसराइल की सैन्य शक्ति और दूसरी तरफ ईरान की बढ़ती धाक ब्रिक्स में। बड़ा सवाल है कि क्या रूस और चीन की साझेदारी के सहारे ईरान इसराइल को झुका पाएगा या फिर ये नई दोस्ती सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रहेगी। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।